पोकेमॉन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पोकेमॉन के साथ साथ ऐसे भी लोग रहते हैं जो स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं पोकेमॉन से कम्युनिकेट करने के लिए। कुछ एबिलिटीज को हम जानते हैं और कुछ को नहीं। कुछ एबिलिटीज को पोकेमॉन फ्रेंचाइजी ने ओपनली एक्सप्लेन किया है और कुछ ठीक से बताए तक नहीं है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पावरफुल है। वेल गाइस, मैं हूँ चिराग वर्मा एंड आज इस वीडियो के अंदर मेरे साथ देने आए हैं टून इंडिया। हे गाइस, मैं हूँ टून इंडिया एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो स्पेशल एबिलिटीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं और ये दो एबिलिटीज हैं ऑरा एबिलिटी और ड्रैगन कनेक्शन एबिलिटी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने ड्रैगन कनेक्शन एबिलिटी के बारे में पहली बार सुना होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बिना पोकेमॉन टॉपिक्स को रिपीट किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हम इतना ही जानते हैं कि ऑरा एबिलिटी को एश और सर एरन यूज कर सकते हैं उन पोकेमॉन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो कि ऑरा पावर रखते हैं, लाइक रियोलू एंड लुकारियो। वहीं अगर मैं ड्रैगन कनेक्शन एबिलिटी की बात करूं तो ये मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला जब हम एक दूसरी वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे। एंड ये एबिलिटी आयरिस के पास है जो कि एक ड्रैगन मास्टर बनना चाहती है। अब हम एक एक बार कर दोनों की एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि विच एबिलिटी इज बेस्ट। बात करें और एबिलिटी की तो ये एबिलिटी ज्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलती है। अभी तक ये एबिलिटी हमने सर एरन और एश के अंदर ही देखने को मिली है एंड कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग एश का कनेक्शन सर एरन से है क्योंकि जो ऑरा सर एरन में था वही सेम ऑरा लुकारियो ने एश के अंदर भी सेंस किया था। इस एबिलिटी से यूजर अपने पोकेमॉन के साथ अपने कनेक्शन को बॉन्ड करता है जिसकी हेल्प से पोकेमॉन एंड ट्रेनर के दो बॉडी होने के बाद एक सोल होती है। सिंपल वे में बोलूं तो एक दूसरे से दूर होने पर भी जो एक्सपीरियंस पोकेमॉन कर रहा होता है वही वो यूजर भी करता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है। अगर बात करें ड्रैगन कनेक्शन एबिलिटी की तो इस एबिलिटी का प्रॉपर नेम नहीं है। हमें ये एबिलिटी देखने को मिली थी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में एपिसोड 146 आयरिस वर्सेस क्लेयर द रोड टू ड्रैगन मास्टर। इस एपिसोड के अंदर जब आयरिस गिबल को पकड़ती है और वो अपने इस पावर का यूज गिबल पर करती है उसके माइंड को रीड करने के लिए कि वो कहां से आया है और उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। साथ में वो अपने ड्रैगनाइट पर भी इसे यूज करती है। इस एबिलिटी से जो यूजर होता है वो सिर्फ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के थॉट्स एंड फीलिंग को रीड करता है। इस एबिलिटी को यूज करने के लिए पोकेमॉन को यूजर पे फुली ट्रस्ट करना होगा एंड जब यूजर पोकेमॉन को टच करेगा तब यूजर ड्रैगन पोकेमॉन्स के माइंड को रीड कर सकता है। जैसे कि ऑरा एबिलिटी में यूजर पोकेमॉन को दूर से ही सेंस कर सकता है, वैसे ही ड्रैगन एबिलिटी जिसके पास होगी वो ड्रैगन पोकेमॉन को दूर से ही लोकेट कर सकता है। इन दोनों ही एबिलिटीज के अंदर ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर देखें कि इन दोनों एबिलिटी में से कौन सी एबिलिटी ज्यादा बेस्ट है तो दोनों ही एबिलिटी कुछ सिमिलरिटीज रखती हैं। जैसे ड्रैगन एबिलिटी सिर्फ ड्रैगन पोकेमॉन पे यूज होगी एंड ऑरा एबिलिटी ओनली ऑरा पोकेमॉन्स पे, एंड ऑरा पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा रेयर है जबकि ड्रैगन पोकेमॉन्स नहीं। ये दोनों ही एबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, जो कि हमें ज्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलती हैं। दोनों ही एबिलिटी को यूज करने के लिए ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड अगेन, ट्रस्ट एक बहुत ही कॉमन चीज है जो कि हर पोकेमॉन अपने ट्रेनर पर करता है, पर देन अगेन ये एबिलिटी इतनी कॉमन नहीं है। वेल, हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों एबिलिटीज ही अपनी जगह पर बेस्ट हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा रेयर हैं। अब तुम लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को ड्रैगन कनेक्शन एबिलिटी के बारे में पता था एंड अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।